वेलकम एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केपीएच एकेडमी पर। और आज हम लोग इस सुपर टेट की जो सीरीज हमने चालू करी है, इसके लिए सबसे पहले बेसिक लेक्चर पर आ चुके हैं। और हम लोग समझने जा रहे हैं कि जो सीरीज को हम लोग चला रहे हैं, इसका असल में सिलेबस क्या है। सिलेबस की जब तक पकड़ अच्छी नहीं होती है, विश्वास मानिए किसी भी एग्जाम पर फोकस अच्छा नहीं हो सकता है। सिलेबस पर पकड़ कहने का मतलब है कि असली नब्ज दबा करके रखो। असली नब्ज अगर दबा करके रखी है तो एग्जाम हजार बार निकलेगा, है ना। जितनी बार बैठोगे उतनी बार निकलेगा, क्योंकि आपने वही पढ़ा होगा जो पेपर में आएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा ओवर पढ़ जाते हैं, इसलिए उनको दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ टॉपिक छोड़ देते हैं, है ना, यहां दिक्कत कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ देते हैं कई दफा। तो अगर आप उसको छोड़ दोगे तो समस्या पैदा हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिएगा, गौर से जितना बताऊं उतना पढ़िएगा और हम उतना पढ़ाएंगे, बस आपको अच्छे से पढ़ लेना एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिरकार हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इस पूरी की पूरी सीरीज में आपके काम आने वाले हैं। इसका सिलेबस बाइलिंगुअल है, साथ ही साथ पूरा हमारा जो करिकुलम है वो बाइलिंगुअल रहने वाला है। मतलब अगर आप अंग्रेजी माध्यम से आते हैं तब भी आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। साइकोलॉजी की क्लासेस प्रतीक शिवालिक सर ले रहे हैं और वो आना शुरू हो चुकी हैं। उसमें पहला अध्याय आ चुका है, आप जाइएगा पढ़िएगा, वो भी बाइलिंगुअल ही है। तो आपको पढ़ने में निश्चित तौर पर आनंद आएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप अपना सुझाव फीडबैक भी हमको दे सकते हैं। आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर पर 5 रेटिंग्स दे करके वहां पर भी सुझाव दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार इस सिलेबस में हमको पढ़ना क्या क्या रहने वाला है, हम लोग इसमें क्या क्या चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारी जो जनरल साइंस है, ये पूरे 10 नंबर की आने वाली। टोटल 3 सब्जेक्ट हैं मोटे तौर पर, जो कि आयोग ने बोले हैं कि आपके एग्जाम में आएंगे। नंबर 1 जनरल साइंस, साइंस मतलब विज्ञान, है ना, सामान्य तौर पर विज्ञान। और विज्ञान में क्या होता है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और बायो होती है। अब देखना यह है कि सिलेबस में फिजिक्स ज्यादा है, केमिस्ट्री ज्यादा है या फिर बायो ज्यादा है। तो गौर से देखना भाई, यहां पर जो आपका सिलेबस है, इस सिलेबस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक लिखा हुआ है दैनिक जीवन में विज्ञान। क्या लिखा है भाई, दैनिक जीवन में विज्ञान लिखा हुआ है। अब ये जो दैनिक जीवन में विज्ञान है, इसका मतलब क्या है? दैनिक जीवन में जो विज्ञान है उसका मतलब क्या है? दैनिक जीवन में विज्ञान का मतलब यह है कि वो जनरली आपसे पूछ लेगा कि बताइए आप कार में बैठते हैं तो ब्रेक लगने पर आगे की ओर झटका क्यों लग जाता है। वो पूछ लेगा कि बताइए दूध गर्मी ज्यादा पड़ने पर फट क्यों जाता है। वो हो सकता है दैनिक जीवन में विज्ञान में ये पूछ लें कि बताइए क्यों आपको गर्मियों के मौसम में पसीना आता है, है ना, क्या कारण है कि पंखा चलने पर आपको ठंडा महसूस होता है। इस तरीके के जो सवाल है, जो आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, उन सवालों को दैनिक जीवन में विज्ञान कहते हैं। तो उनके प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना रहने वाली है। दूसरे नंबर पर आता है मोशन, यानी कि गति। यहाँ गति के क्वेश्चन आएंगे। मोशन, मोशन कई किस्म के हो सकते हैं। वो रेखीय गति हो सकती है, वो सर्कुलर मोशन हो सकता है, वृत्तीय गति हो सकती है, है ना। वहाँ पर हम लोग बहुत सारे मोशंस जो होते हैं, उनके जो लॉज हैं, उनके बारे में भी डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं और उनकी भी बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, इसके बाद आ जाएगा फोर्सेस। फोर्सेस में बहुत सारे फोर्सेस हैं, है ना, जैसे टेंशन का फोर्स हो गया, स्ट्रेस का फोर्स हो गया, हमारा जो फोर्स है, हमारा जो जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे। तो जितने भी फोर्सेस हैं उन सबको डिटेल्ड में अध्ययन करने की कोशिश करेंगे, एक एक को डिटेल्ड में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये फोर्स होता क्या है और क्यों हमारे लिए ये अच्छा और इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ बात करेंगे एनर्जी की। एनर्जी यानी कि ऊर्जा, आप सभी लोग जानते हैं ऊर्जा। ऊर्जा एनर्जी स्टैटिक और डायनेमिक जो होगी, जो हमारी स्टैटिक एनर्जी है उसके बारे में बात करेंगे, जो डायनेमिक एनर्जी है उसके बारे में बात करेंगे। और दोनों ही चीजें बाइलिंगुअल रहने वाली हैं, हर व्यक्ति को समझ में आएगी। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से भी अगर अपने बेसिक्स को पढ़ा हुआ है, एकेडमिक्स को पढ़ा हुआ है, तो भी 1% की दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ऐसे ही डिस्टेंस है, लाइट है और साथ ही साथ आपकी साउंड है। तो डिस्टेंस में कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, है ना, इसके बारे में बता देंगे वहीं पर।
प्रकाश जो है लाइट, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि लाइट में पूछेंगे क्या। तो हम ज्यादातर चीजें इसमें कवर करेंगे, इसमें लेंसेज के एरिया को भी कवर करेंगे, लाइट की कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनको भी कवर करेंगे, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो परीक्षा में जनरली पूछे जाते हैं, उनकी भी हम लोग यहाँ पर डिटेल में चर्चा करते हुए देखेंगे। साथ ही साथ साउंड है, साउंड एक किस्म की वेव है, यानी कि यहाँ पर चर्चा साउंड कम वेव की ज्यादा है, और वेव में भी मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव की ज्यादा है। तो हमें मैकेनिकल वेव में पहले समझना पड़ेगा वेव्स होती क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, और उसमें मैकेनिकल वेव क्या होती है, और उसके बारे में फिर हम लोग साउंड को कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप साइंस के बैकग्राउंड के विद्यार्थी नहीं है तो भी मैं दावा करता हूं, क्योंकि मैं सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा, आपको निश्चित तौर पर हर चीज समझ में आएगी, किसी भी जगह इशू आने वाला नहीं है, इस बात की मैं आपको शुरुआत में बता देता हूं। अगर कभी भी कोई इशू आए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास हो, डायरेक्टली आप हमको संपर्क कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं आपका कॉल अटेंड करूंगा, आपकी जो समस्या होगी उसको मैं डिटेल्ड में समझा दूंगा। साथ ही साथ हम लोग कुछ कुछ लाइव हम लोग फेस टू फेस मीट भी करेंगे, जिसमें कि आपके जो कुछ क्वेरीज होंगी उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा है जीवों की दुनिया। अब आप एक चीज नोटिस कर लो, यहाँ पे ऊपर की लाइन में जितनी भी चीजें लिखी हैं सब फिजिक्स है, तो फिजिक्स का पोर्शन कितना आने वाला है इसको आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये टोटल जो जानकारी है, ये जो टोटल जानकारी है ये फिजिक्स सब्जेक्ट की है, ये काई की है, फिजिक्स की है, ये पूरी जानकारी फिजिक्स की है। और उसके बाद में देखो ये जीवों की दुनिया आ गई। अब जीवों की दुनिया में आप जानते ही हैं, मोनेरा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमें फंगाई के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एनिमेलिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमको प्लांट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी जो जीवों की दुनिया है उसको थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बायो का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपके पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो का एक और टॉपिक है मानव शरीर और स्वास्थ्य, यानी कि इसमें हम लोग को देखना पड़ेगा कि हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, किन किन चीजों की वजह से हो जाती हैं, क्या क्या हाइजेनिक है, क्या हाइजेनिक नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, इस तरीके की चीजों को हमको यहां पर शामिल करना है। ऐसे ही है स्वच्छता एवं पोषण। स्वच्छता एवं पोषण, स्वच्छता और पोषण का मतलब क्या है? स्वच्छता सैनिटेशन, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। हमें स्वच्छता में सैनिटेशन के बारे में समझना पड़ेगा कि भाई सैनिटेशन यानी कि गंदगी अगर कहीं है तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, गंदगी में कैसे कैसे बैक्टीरिया पनप सकते हैं, उसकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, वो सारी की सारी समझेंगे। साथ ही इसी में हमें यह भी देखना है एनवायरमेंट पर क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट इसकी वजह से पड़ सकता है, उसके बारे में भी डिटेल्ड में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक भाई साहब, और इसके बाद आते हैं पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन। ये जो है ये साइंस का टॉपिक है, इसको बायो में भी कुछ लोग काउंट कर लेते हैं, कुछ लोग इसी टॉपिक को ज्योग्राफी में काउंट कर लेते हैं, तो लोगों का अपना अपना मानना है, जहां पर भी काउंट कर लो, पढ़ना है ही हमें अल्टीमेटली। ये जो एनवायरमेंट है और जो नेचुरल रिसोर्सेस है, बहुत ज्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, आपने ईवीएस में ऑलरेडी यूपी टेट जब दिया होगा या सी टेट दिया होगा तो वहां पर चीजें पढ़ी होगी, तो वो आपको हेल्प करेगा। इधर है पदार्थ और पदार्थ की अवस्था, यानी कि मैटर और इट्स स्टेट। तो मैटर की जनरली तीन अवस्थाएं तो सबने सुनी होगी, द्रव्य क्या है और द्रव्य की तीन अवस्थाएं क्या है, ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, उन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या है उसको समझना है। बिल्कुल 10-15 मिनट का टॉपिक है, इजीली आप लोग कर पाओगे। तो ये जो 10 नंबर हैं ये चुटकियों में आपको मिलने वाले हैं, चुटकियों में मिलने वाले हैं, और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, निश्चित मानिएगा। इस टॉपिक में 10 में से 10 नंबर भी आप आसानी से ला सकते हो, बहुत आसानी से, आपको कोई ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना मैं पढ़ा दूंगा बस उतना पढ़ लेना, गारंटी है आपका इस टॉपिक में कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है, इसी के आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या है जो इस एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका एनवायरमेंट एंड सोशल स्टडीज। क्या है भाई? एनवायरमेंट एंड सोशल स्टडीज, ये भी 10 नंबर का है। अब इसमें दो टॉपिक हैं, एनवायरमेंट ईवीएस, ईवीएस वही है जो आपने यूपी टेट में पढ़ा होगा, यूपी टेट वाला, सी टेट वाला नहीं आता इसमें, इसमें यूपी टेट वाला ईवीएस आता है। दूसरी बात इसमें आ रहा है सोशल स्टडीज, मतलब सामाजिक अध्ययन, सामाजिक है, ध्यान रखना इसमें जनरल वाला नहीं है, सामान्य नहीं है, सामाजिक है। सामाजिक का मतलब होता है समाज में अच्छे बुरे में, अच्छे बुरे का मतलब यहां पर कुछ टॉपिक आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहां पर कुछ टॉपिक है, जैसे
हमारी सांस्कृतिक पर्यावरण संरक्षण, ये समाज की बात है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, ये भी समाज की बात है। भारतीय समाज सुधारक, ये भी समाज की बात है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो समाज से रिलेटेड हैं, सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए टॉपिक हैं। लेकिन मूल रूप से अगर ये सिलेबस आप देखोगे तो उसमें चार सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। पहले नंबर पर आपको भूगोल दिखाई देगा, दूसरे नंबर पर आप देखोगे तो इतिहास दिखाई दे रहा होगा, तीसरे नंबर पे देखोगे तो संविधान दिखाई दे रहा होगा, और चौथे नंबर पे देखोगे तो इकोनॉमी दिखाई दे रही होगी, अर्थव्यवस्था दिखाई दे रही होगी। देखो भाई, गौर से देख लो, पृथ्वी की संरचना यहाँ पे पढ़नी है। क्या पढ़नी है? पृथ्वी की संरचना। आपको नदियां, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, द्वीप, ये सब क्या है? प्राकृतिक संपदा, अक्षांश, देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, ये सब क्या है? ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आप देख रहे हो, ये सारे के सारे टॉपिक आपके किसके हैं? ये ज्योग्राफी के टॉपिक हैं भाई, ये भूगोल है। इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी आ गई, फिजिकल ज्योग्राफी भी आ गई, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आ गई। मतलब इन तीनों के चक्कर में हमको तीनों ही चीज़ें पढ़नी है ना, इंडिया भी, वर्ल्ड भी और फिजिकल भी, तीनों ही चीज़ें पढ़नी है। जैसे अक्षांश, देशांतर है, सौरमंडल है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है। ऐसे ही पृथ्वी की संरचना भी फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है ना। लेकिन जबकि आप नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर की बात करते हो तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का हिस्सा हो जाता है। प्राकृतिक संपदा भी फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट कह सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आना है। ये इंडियन ज्योग्राफी उन्होंने अलग से ही रख दी कि भाई इंडियन ज्योग्राफी हम कुछ भी पूछेंगे, तो भारत के भूगोल से भी उनके क्वेश्चंस आएंगे, उनके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, वो भी पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, मतलब 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 की आज़ादी तक जो भी मॉडर्न हिस्ट्री है वो इसमें आ जाएगी। उस पूरे मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे हिस्से को हम लोग बहुत बारीकी से कवर करेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर ना जा पाए, और नहीं जाएगा, आप देखेंगे। भारतीय समाज सुधारक, इसी दौरान कुछ भारतीय समाज सुधारक हुए, किसी ने कहा हम सती प्रथा का विरोध करते हैं, किसी ने कहा कि हम लोग विधवा विवाह के समर्थन में हैं, इस तरीके के कुछ लोग आए हैं, है ना। आर्य समाज की नींव रखी गई, स्वामी विवेकानंद जी का किस्सा है। तो बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हैं जिनकी चर्चा हमें आपके साथ करनी है ना। तो उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा। ये दो चीज़ें इतिहास में दो ही टॉपिक हैं, एक तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और साथ ही साथ भारतीय समाज सुधारक। कुल मिलाकर के ये दोनों ही टॉपिक हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। आपके सिलेबस में एंशियंट हिस्ट्री नहीं है, आपके सिलेबस में मिडिएवल नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ है मॉडर्न, और मॉडर्न भी पूरी नहीं, कहां से 1857 से, 1857 से। तो इस बात को दिमाग में बिठा करके रखना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में आना है ना, ताकि आप ज्यादा रिसोर्सेस का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो बर्डन आएगा, टेंशन होगी ज्यादा, तो उससे बचने की कोशिश करें। यहीं पर है भारतीय संविधान और हमारी शासन व्यवस्था, ये दोनों टॉपिक हमारे पॉलिटी के, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी हमको कवर करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पॉलिटी है, दोनों ही चीज़ें कवर करनी है। शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं, शासन व्यवस्था की, इसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को थोड़ा डिटेल्ड में समझते हैं कि ग्राउंड पर कैसे फंक्शन करती है, गवर्नमेंट हमारी चलती कैसे है, वो सारी की सारी बजट से संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनको भी इसमें पढ़ना होता है। संविधान में हमें आर्टिकल्स पर ज़्यादा जोर देना पड़ता है कि इस आर्टिकल में ये चीज़ है, इस भाग में ये चीज़ है, इस अनुसूची में ये चीज़ है, इस तरीके से हम लोग को इस टॉपिक को यहाँ पर डील करना होगा। यातायात और जो सड़क सुरक्षा का मामला है, ये समाज से जुड़ा हुआ हिस्सा है। इसमें आपको हो सकता है कोई सिंबल दे दिया जाए कि बताइए सिंबल किस चीज़ को बताने की कोशिश करता है, सड़क सुरक्षा के नियम क्या हैं उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान को पता होने चाहिए। मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें बता दूंगा जो कि आपके लिए बड़ी ही फ्रूटफुल होने वाली हैं आपके एग्ज़ाम के टाइम पे। इसके अलावा आएगी इंडियन इकोनॉमी, और वो भी कैसी, इसकी चुनौतियों के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था और उसकी चुनौतियाँ। अब इकोनॉमी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम इसको इंडियन डायोस्पोरा के हिसाब से देखेंगे, भारतीय मूल के हिसाब से देखेंगे, और साथ ही साथ इसमें हम लोग जो एनसीईआरटी का बेसिक्स है वहाँ से निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या आने की संभावना है, ठीक है ना, वहाँ से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा ये थोड़ा सा कल्चर का पार्ट है, सांस्कृतिक विरासत है, पर्यावरण संरक्षण है और आपदा प्रबंधन है, ठीक है।
ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इन फ्यूचर हम लोग सारे टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये भी 10 नंबर का पार्ट है। थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन विश्वास मानिएगा ये टॉपिक में आप 10 में 10 यहां से भी ला सकते हो, क्योंकि ये ऊपर का जो टॉपिक है संविधान का और भूगोल का, ये ऑलरेडी आप यूपी टेट में पढ़ चुके होंगे। बाकी के टॉपिक को ही आपको कवर करना, तो इतना भी बड़ा वर्डन नहीं है कि आप ये सोचो कि पता नहीं क्या दे दिया है ना। तो बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहिए, रिलैक्स मूड में पढ़िएगा, सब कुछ सही होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, अगले हिस्से की ओर आते हैं। अगला हिस्सा आपका क्या है, 30 नंबर में हमारी करेंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज लिखा गया है। देखो लिखा जरूर गया है कि यहाँ पर टॉपिक हमारा जनरल स्टडीज होगा, लेकिन जनरली इसका वेटेज ना के बराबर है। ज़्यादातर जो वेटेज है वो करेंट अफेयर्स का ही है। यहाँ पर क्वेश्चंस करेंट के ही ज़्यादातर पूछे गए थे। पिछली बार भी करीब करीब 20 से 25 क्वेश्चंस जो थे, 25 क्वेश्चन के अराउंड वो करेंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन आए थे। 5 नंबर के अराउंड ही जनरल स्टडीज आती है, और ये जो जनरल स्टडीज होगी वो इससे पहले वाले जो 2 टॉपिक आपने देखे वहीं से आएगी, उन्हीं टॉपिक से आएगी। तो कुल मिलाकर के आप ये मान करके चलिएगा कि आपको इस टॉपिक में जनरल स्टडीज को इग्नोर करके करेंट अफेयर्स पर पूरी दम झोंक देना है, इस पर पूरी जी जान से जुड़ जाना है। और उसके लिए हमने एक विशेष प्रक्रिया, विशेष काम भी कर रखा है। आपको डेली करेंट अफेयर्स के लिए एक टेस्ट सीरीज दे रखी है, वो भी बिल्कुल फ्री में। उसको आपको अभी जाना है स्टोर में जाकर के, एसटेट टेस्ट सीरीज में जाना है और उसको एनरोल कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो जो टेस्ट सीरीज है आपकी, उसमें डेली 13 से 15 क्वेश्चन के बीच में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे विद सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आप जब उसको करोगे, उसके बाद उसको सॉल्यूशन देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज के करंट में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमको पढ़ने चाहिए। ठीक है, बाकी डेली की ज़िंदगी में आप अखबार और न्यूज़ में थोड़ा बहुत अगर रहना पसंद करते हैं तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अब इसमें भी करंट में पढ़ना क्या होता है, मतलब करंट में कौन कौन से हिस्से हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो परीक्षा के लिहाज से ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको जिन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो उनमें नंबर 1 पर अंतर्राष्ट्रीय खबरें, राष्ट्रीय खबरें, और साथ ही साथ प्रदेश यानी कि यूपी, यूपी का करंट भी आने वाला भाई साहब, तो यूपी के करंट पर भी आपकी गाढ़ी निगाह बनी रहनी चाहिए। ठीक है, और व्यक्तित्व का मतलब ये होता है कि जो भी पर्सनैलिटीज हैं, है ना, जो पर्सनैलिटी क्या है, आपका विधायक हो सकता है, आपका मंत्री हो सकता है, आपका कोई सिंगर हो सकता है, आपके यूपी से रिलेटेड कोई भी औहदे वाला, बड़े औहदे वाला व्यक्ति हो सकता है जो व्यक्तित्व के रूप में आ सकता है। अगर वो न्यूज़ में है तो उसके बारे में थोड़ा जानिएगा, पता करिएगा, और उससे क्वेश्चन आने की संभावना रहने वाली है। रचनाएं, रचनाएं करंट में जो रहती हैं वो ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे पिछली बार नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित जो एग्ज़ाम वॉरियर थी वो एग्ज़ाम में पूछ ली गई थी, वो करंट में चर्चा का विषय थी तो इसीलिए वो पूछ ली गई थी। इस बार भी ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो कि चर्चा का विषय है, उन पर हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे और उन्हीं करंट अफेयर्स में से क्वेश्चन आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कारों की बात होगी, यानी कि जो इंटरनेशनल और जो नेशनल इवेंट हैं, है ना, और साथ ही साथ उनके जो प्राइजेस हैं, जो पुरस्कार हैं। अब राष्ट्रीय पुरस्कारों में जैसे हमारे पद्म पुरस्कार होते हैं, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी हो चुकी है, जो कि 26 जनवरी पर जनरली दिए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, और साथ ही साथ भारत रत्न वगैरह जो है वो भी इन्हीं राष्ट्रीय पुरस्कारों में शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे नोबेल पुरस्कार हो गया, है ना, इस तरीके के जो पुरस्कार होंगे उन पुरस्कारों के बारे में भी हमको डिटेल में पढ़ना होगा। साथ ही साथ करंट में हमारा खेलकूद के बारे में, जितने भी गेम्स होते हैं उनको देखना पड़ेगा, और जो हमारे आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए विषय हैं इन पर भी थोड़ा सा निगाह मान के रखनी पड़ेगी, है ना। हालांकि इनसे बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी निगाह तो रखनी पड़ेगी क्योंकि सिलेबस में दिया गया है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको, हमको डील कर रहे हैं। 30 नंबर में करंट अफेयर्स आएगा, और ये मान करके चलिएगा कि पेपर से 1 महीना पहले आपके सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा और हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर फोकस्ड होकर पढ़ाई कर रहे होंगे, वो होगा करंट अफेयर्स। स्पेशल क्लासेस होंगी, बिल्कुल अलग से क्लासेस होंगी, और वो करंट अफेयर्स की जो क्लासेस होंगी आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी, ये मेरा दावा है। ऐसी करंट अफेयर्स, ऐसी ट्रिक्स के साथ करंट अफेयर्स आएगी कि आपको चुटकियों में याद हो जाएगी, बस
आपको इतना करना है कि आपको ऐप खोलना है, उस पर टैप करना है और एक बार प्ले करके बैठ जाना है। बस इतना काम आपका होगा, बाकी सारा हमारा होगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के इस कोर्स में आप पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको कैसे एनरोल करना है इस कोर्स में, उसकी छोटी सी प्रक्रिया मैं आपको बता दूं। सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, KPH Academy लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो वहाँ रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, वो कीजिएगा। और रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉगिन का ऑप्शन आता है, लॉगिन कर लीजिएगा। अब जब लॉगिन हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो होम पेज है वो खुल चुका होगा। होम पेज में आप बॉटम के राइट हिस्से में आएंगे और वहाँ राइट हिस्से में आपको स्टोर दिखाई देगा। स्टोर में सुपर टेट का ऑप्शन दिखेगा, सुपर टेट पर क्लिक कीजिएगा, कोर्स दिखाई दे जाएगा। कोर्स पर टैप करिएगा और टैप करने के बाद इनरोल नाउ का ऑप्शन आएगा, इनरोल नाउ करिएगा और आप कोर्स परचेस कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको डेमो भी हमारे वीडियोज़ के दिखाई दे जाएंगे, आप डेमो भी देख सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ पूरी की पूरी बात खत्म हुई, सिलेबस की बात खत्म हुई। अगला लेक्चर हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो साइंस का करेंगे, विज्ञान सबसे पहले शुरू कर रहे हैं तो विज्ञान पर फोकस रहेगा हमारा आगे से। तो ठीक है, इसी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।